वेलकम। आज हम क्या रेसिपी आपके लिए ले के आए हैं, चिया मैंगो पुडिंग। किस तरह रेडी करना है और ये आपके लिए किस तरह बेस्ट है, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप देखें। चिया मैंगो पुडिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप का देखें कि किस तरह रेडी किया है। ये देखें माशाल्लाह, यमी यमी पुडिंग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जरीका फूड सीक्रेट। आज दोबारा क्या ले रेसिपी लेके आए हैं, चिया सीड एंड मैंगो। क्या बना रहे हैं, चिया सीड पुडिंग बना रहे हैं, ठीक है, मैंगो के साथ। तो इसके लिए तकरीबन कितना हमने लेना है, ये 1 टेबल स्पून के करीब हमें चिया सीड लेना है, ठीक है। चिया सीड लेके और इसको हमने जो है आम को भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। चिया सीड मैंने पहले से 1 टेबल स्पून लेके इसको मैंने थोड़ा से पानी में भिगो दिया कि रेसिपी हमारी इजी रहे, ठीक है। अभी इसमें हमने और क्या क्या ऐड करना है वो भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने मैंगो को साफ़ कर लें, ठीक है। तो चिया सीड हमने भिगो के रख दिया था, मैंने कहा इस तरह दिखा दूँ कि 1 टेबल स्पून हमें लेना है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो वेट जो जो बहन भाई वेट से परेशान है, वेट कम करना चाह रहे हैं, तो ये चिया सीड लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। और चिया सीड और तुखी मलंग एक नहीं है, वो मैं वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, दोनों अलग अलग हैं लेकिन गज़ाइत इनकी एक ही है, इंशाल्लाह काम एक ही करते हैं, ठीक है। तो जिसको चिया सीड नहीं मिल रहा है वो तुखी मलंग यूज़ करें, जिसको तुखी मलंग नहीं मिल रहा है चिया सीड मिल रहा है तो चिया सीड यूज़ करें। आज हम पुडिंग बना रहे हैं, ठीक है, चिया सीड मैंगो मिल्क पुडिंग, ठीक है। तो चले हम इसको कटिंग करके आते हैं। मैंगो कटिंग होके आ गया, तो इसमें क्या क्या जा रहा है, 1 गिलास दूध है, शहद है, और मैंगो तो कटिंग कर लिया, और ये चिया सीड हम पहले देख लिया कि भिगो के इसको हमने रख लिया। अब इसको हमने किस तरह ऐड करना है वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ले आते हैं गिलास जिसमें हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने चिया सीड इसमें ऐड कर देना है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, इस्तेमाल करें और फिर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह लगी। अब हमने एक मैंगो जो कटिंग किया वो ऐड कर देंगे और दूध शामिल कर देंगे। दूध स्पून से मैं ऐड कर दूं, चम्मच से, ठीक है। तो ये आपकी पुडिंग रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मज़ीद चिया सीड ऐड करना है, मैंगो ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूंगी और चिया सीड ऐड कर देंगे। तो ये जब भी आपने नया पेट खाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पुडिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ठीक है। ये अब साइड पे कर दे और चीज़ें और ले आते हैं जिसमें हमने इसको जो है रखना है, ट्रे वगैरह, ठीक है। अब किस चीज़ की बारी आती है, शहद की। शेड इसमें इस तरह हमने ऐड कर देना है, ठीक है, और बाद में मिक्स करके हमने इसको खाना है। तो ये है आज की रेसिपी, न्यू पुडिंग। अभी थोड़े से जो मैंगो मैं और ऐड कर दूंगी, ठीक है, और शेड तो हमने ऐड कर दिया। ये पुडिंग आप खाएंगे तो आप और जो है भूल जाएंगे वेट लॉस रेसिपीज, ठीक है। आज की इजी सिंपल पुडिंग चिया सीड पुडिंग मैंगो रेडी है। किस तरह लगी आपको इजी रेसिपी हमारी, इसको मिक्स करके और स्ट्रॉ की मदद से खाएं, स्पून से खाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ये चिया सीड मैंगो पुडिंग लाजमी बनाएं, तरह तरह की रेसिपी यूज़ करें, चिया सीड को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका वेट जो है बहुत जल्दी कम होगा, इससे आपका पेट जो है
भर जाता है, आपको भूख महसूस नहीं होती, ठीक है, चिया सीड से। और कैल्शियम की कमी भी पूरा करता है, हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ जो आती है वो भी, उसे भी इंशाल्लाह दूर करेगा दर्द आपका इंशाल्लाह। जो भी आपकी जिस्म में टूट फूट है तो इंशाल्लाह चिया सीड ले आएँ घर में रखें और अपने रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने एक दिन एक हफ़्ते इस्तेमाल कर दिया फिर छोड़ दिया, नहीं, आपने रेगुलर एक चीज़ इस्तेमाल करनी। जिस तरह हमें डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो हम ठीक होते हैं, इसी तरह आपकी जो है ये रोज़मर्रा के टोटके वगैरह होते हैं ये भी आप इस तरह ना छोड़ें कि एक दिन हमने इस्तेमाल कर दिया और बस ख़त्म, ठीक है। दूसरे चैनल है ज़रीका वर्ल्ड, ज़रीका फूड एंड ब्लॉग, वो भी ज्वाइन कर लें तो अच्छे लगे, तो लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को, अगर शेयर कर दे करें फुल वॉच कर लिया करें, स्किप ना करें। तो ये है चिया सीड पुडिंग, किस तरह लगी ठीक है बताइए, लाजमी कमेंट भी कर दिया करें, हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर कर दिया करें, फैमिली मेम्बर लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह अमान।